एपिलेप्सी उर्फ आम में जिसको हम विरगी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग रूली नफ्सियाती मर्ज समझते हैं, इससे ताल्लुक नफ्सियात से नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक जाल है जहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करे, हमारा हाथ कैसे काम करे, हमारा मुंह कैसे काम करे, हमारे पैर कैसे काम करे। अगर इसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाए, करंट ज़्यादा हो जाए, तो जिसकी वजह से हमें फिट्स पड़ जाते हैं। इसमें ये होता है मिर्गी में कि इंसान को झटके लगते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है और उसको सिर्फ 3 से 4 सेकंड्स पहले ही पता चलता है कि उसका ये वाकया होने वाला है। इससे पहले कि वो बता सके सामने वाले को कि मुझे शायद फिट पड़ने वाला है, वो उससे पहले ही बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उसके हाथ पैर जोर जोर से झड़कने लगते हैं और उसके मुंह से राल भी टपकती है, थूक भी आ सकता है, उल्टी भी आ सकती है, पेशाब भी उसका निकल सकता है और उसको इस नीचे से वापस होने में तकरीबन 3 से 5 मिनट लग जाते हैं। हम क्या करेंगे उस वक्त, एक लेमैन की क्या जिम्मेदारी है? जब हम उस पेशेंट को देखें ऐसे आते हैं, उसके साथ ऐसा वाकया हो रहा है, तो हम पहले ये देखें जब वो बंदा गिरा है तो वो ऐसी जगह पर ना गिरे जहाँ आग हो, जहाँ कोई नोकीली चीज़ है या कोई खतरे की बात है। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है हमें कि जब वो बंदा गिरेगा तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे मतलब उल्टी करवट पे लिटा देंगे और उसको उस 5 मिनट की सीट को उसको पूरा होने देंगे क्योंकि उसके अपना हेल्प नहीं कर सकते। इसी दौरान कुछ लोग अपनी ज़बान काट लेते हैं, उसमें उधर से खून आना शुरू हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं और उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो गलत तरीका है क्योंकि ज़बान जो कटनी थी वो इनिशियल फेज में ही कट चुकी है, आप उसको मजीद अब आप उसको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो उसको बस उल्टी करवट पर लिटा के उसको छोड़ दें। अब हम बात करेंगे कि अब इसकी इलाज क्या है और इसकी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का पहले हम MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, EEG कराते हैं, ये चेक करने के लिए इसकी कोई फिजिकल वजह तो नहीं है, कोई अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है, या अंदर कोई स्ट्रोक तो नहीं है, या अंदर कोई खून का क्लॉट तो नहीं है, कोई ऐसी दिमाग में सूजन तो नहीं जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हम ये चीज़ देखते हैं साथ साथ कि अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो इसकी कोई वजह नहीं है और ये किसी को किसी वक्त भी हो सकता है, ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है, ये 40 साल के हेल्दी आदमी को भी हो सकता है, 70 साल के आदमी को भी हो सकता है। हाँ, इसकी कॉफिक वजह स्ट्रेस भी हो सकता है, इसकी वजह एक ओवर डोजेज ऑफ स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, हम मोबाइल से जितना यूज़ कर रहे हैं, हम जितना कंप्यूटर और लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सब काम हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ इसको आप अटैक्स को फ्रीक्वेंसी को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ जो है अगर उसका अटैक हर महीने हो रहा है तो हम उसको दवाइयों से हर 4 महीने 5 महीने या 6 महीने पे उसको ले जा सकते हैं दवाइयों के जरिए। इसी तरीके से अगर कोई बंदा है जो है 3-4 साल तक उसका प्रॉपर अटैक ना हो तो मोस्ट लाइकली हम उसकी दवाई टेपर कर देते हैं और इससे ये तासर जाता है मोस्ट लाइकली कि उसका ट्रीटमेंट सफल हो गया है, कामयाबी हो गई है और अब उसको मजीद इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, ये कोई हतमी फैसला नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसी तरीके से इसके बारे में बहुत सारे ऐसे ही मफूजे हैं कि शायद जो है ये जो है कोई रूहानी उलूम या जो खुदा ना खास्ता ऐसे ये मावराई जो मखलूकात होती हैं जिनको हम परसीव नहीं कर सकते, हमारी सेंस परसीव नहीं कर सकती, उनकी वजह से हो रहा है, इसके बारे में बोलूँगा। लेकिन साइंस ये बात नहीं समझ सकती ना ये बात मानती है, तो कोशिश करें कि आप उनको पीरों फकीरों के पास टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको डॉक्टर के पास लेके आएँ, दवाइयाँ स्टार्ट करें। उनकी जो दवाइयाँ स्टार्ट होती जैसे वेलप्रोइक एसिड वगैरह, उनकी ब्लड में कंसंट्रेशन भी चेक की जाती है, तो इनका जो भी न्यूरोलॉजिस्ट होगा वो हर 6 महीने बाद उनको ओपिनियन आप उनका कंसल्टेशन करवाएं, उनका ओपिनियन लें कि हमें मजीद दवाइयों में कोई एडजस्टमेंट करनी है, रद्दो बदल करना है या नहीं करना, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, किसी के जिगर पे होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गन पे होते हैं, तो उन दवाइयों को रेगुलेट करने के लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि ये बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको एपिलेप्सी को मुर्गी को समझने में मामूल साबित है।